नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामेश्वर उरांव जी, जो कि वित्त मंत्री। हम उनसे जानेंगे सर, अभी मुद्दों पे लगातार चल रहा है पारसनाथ, सर क्या कुछ कहेंगे सर, इसमें क्या कुछ बदलाव आना चाहिए? तो सुलझाया जा रहा है, मुद्दा में चल रहा है, सुलझाया गया। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि भारत सरकार ने अपनी नीति में नीति को जहाँ जिससे दिक्कत हो रही थी जैनी भाइयों को, उसको हटा दिया है, हटा दिया तो अब तो वो प्रॉब्लम है नहीं उस माने में। सर वो जैन तीर्थ स्थल था सर, वहीं कहीं ना कहीं आदिवासियों की मांग है कि अब उसे कि अभी उसको समझना बाकी है। आप भी समझिए, हम भी समझेंगे कि क्या मांग है आदिवासियों की जी। लेकिन जैन तीर्थ स्थल पुराना है जी। वो तो निर्भवित है, लेकिन हमारा भी आदिवासी का भी हक है। जितने पहाड़ हैं झारखंड में, जितने नदी नाले हैं, है ना, नदी नाले हैं, ये सब प्रकृति के जितने भी बनाए हुए चीज़ें हैं, आदिवासी तो अपना हक मानता है उसमें, झारखंड में, कि मेरा हक है, नदी मेरी है, ये जंगल मेरा है, ये पहाड़ मेरा है, ये मांग है, वो मानता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये भी सच्चा है कि वो 24 में से 20 जैन संत कहिए, जैन मुनि कहिए, वहीं ज्ञान प्राप्त किए थे पारसनाथ में ही। तो जैसा कि आपने सुना कि उस पर लगातार जो है गौर किया जा रहा है, और इनका कहना है कि सरकार उस पर जो है निर्णय ले चुकी है। जीएन भारत के साथ नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।